मैं यहाँ मुझे मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन मैं आया फिर भी क्योंकि मेरे मिशन का मामला था। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, ना किसी को पैगाम गया था, ना दावत दी गई थी, लेकिन क्योंकि मेरा मिशन था इसलिए मैं चलकर आया हूँ। और चाहता था कि यहाँ दो बातें आपसे करूँ। जब आदमी कौम के बीच में होता है तो ये भी चाहता है कि मेरे दिल के फकोले कहीं ना कहीं निकले। जो तजुर्बा हमारा है वो तजुर्बा ये बताता है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे हिस्से में, हमारी भुट्टी में, हमारे मिजाज में एक चीज बहुत तेजी से सलाहियत कर गई, वो था भाषण का सुनना। इतने भाषण सुने हमने 70 साल में कि अब तो बोर होने लगते हैं। जहाँ थोड़ा सियासी शगफ होता है, दिलचस्पी होती है, वहाँ पर सुन लेते हैं, वरना पूरा हॉल भर लेते हैं, लोग बातें करते रहते हैं और भाषण होते रहते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर आपके बीच में जो वक्त नहीं आ गए, सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूँ। एक बात, इस सरकार के सिस्टम से, इस निज़ाम से, इस निज़ाम के हम पाबंद हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिनसे हमारा साबका पड़ा है, जिनके साथ हमें रहना है, जिनके साथ हम रहते हैं। और तीसरी बात आप लोगों से जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। पहली बात तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, एक आईन के तहत होती है, उस मुल्क का कानून होता है। और जो अभी मेरे भाई मुझसे बता रहे थे, मौलाना हबीब रहमान हबीब रोमानी साहब मुझसे कह रहे थे कि जिनके पास दिमाग होता है वही हुकूमत करते हैं। तो दिमाग की बात तो मुझे याद आया कि हमारे यहाँ बहुत सारे दिमाग वाले जिन्होंने हमने हुकूमत की है और हम लोगों बनते रहे हैं। मुस्तकिल एक आदमी एक गधा बेच रहा था, गधा बाजार में खड़ा था वो, और वो गधा कह रहा था, बादशाह का वजीर उधर से गुजरे, भाई गधा क्या कर रहे हो, बेच रहा हूँ। अच्छा कितने का है? कि नहीं 50,000 रुपये का है। बादशाह ने कहा 50,000 रुपये का गधा, ऐसी क्या खूबी है इसके अंदर, ये गधा 50,000 रुपये का? कहना साहब जो आदमी इस पर बैठता है उसको मक्का मदीने नजर आता है, जन्नत नजर आती है उसको। अच्छा उन्होंने वजीर से कहा, वजीर से बैठ के देखो उस पर, अगर ये बात सही हुई तो हम 1 लाख का खरीदेंगे, और अगर झूठ हुई तो कतल करेंगे, तेरे गले में मारेंगे। वजीर साहब बैठने लगे तो उस आदमी ने रोका जो गधा बेच रहा था। जब सुनने की बात है भाई, कहले वजीर साहब एक बात और सुन लीजिए, इस गधे में बैठकर मक्का मदीना उन लोगों को नजर आता जो गुनाहगार नहीं होते, नेक लोग होते उनको नजर आता ही। वजीर साहब गधे में बैठ गए, तुझे कुछ नजर नहीं आया। अब वजीर साहब कह रहे हैं भाई ये तो नजर नहीं आया तो मैं बुलाया, और अगर कहूँ तो फिर कह रहा है कि मुझे मैं वजीर हूँ और मैं गुनाहगार कैसे हो सकता हूँ, वजीर का गुनाहगार नहीं हो सकता, ईमानदार होता है। तो वजीर ने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मदीना दिखाई दे रहा है, क्या मक्का दिखाई दे रहा है, बहुत खूब। बादशाह ने कहा अच्छा ऐसी बात है, थोड़ा मैं भी देखता हूँ। अब बादशाह में बैठे उसके ऊपर, बादशाह को कुछ नजर नहीं आया, बादशाह के बादशाह खतरे में पड़ गए। अगर मैं ये कहता हूँ कि नजर नहीं आ रहा तो मैं गुनाहगार हूँ, उसका मतलब ये है मैंने गुनाह किए हुए। बादशाह ने कहा सुभान अल्लाह, यहाँ तो मक्का मदीना नहीं जन्नत में नजर आ रही है, फरिश्ते में नजर आ रहे हैं। ये हमारा हाल है, हम लोग दिमाग वालों के पास फंस गए, हमारे दिमाग कहीं ना कहीं जाके फंस गए, हमने ये झेला है। हुकूमत कानून जाब्ते में चलती है, इस मुल्क में कानून है, कैसे भी बनाया गया हो हम पर लाजिम है, उस कानून को मानते हैं, तुम पर क्या लाजिम है? आज पार्लियामेंट में कानून के खिलाफ कानून पास हो रहा है, एक संदिग्ध को आज का 341 कानून के खिलाफ, जब ये मुल्क का कानून है कि इस मुल्क में मजहब के नाम पर कोई तकलीफ नहीं की जाएगी, फिर आज का 341 क्यों, मजहब के नाम पर ये भेदभाव क्यों? और अब डॉक्टर साहब आपकी तहरीक आपकी जद्दोजहद मुस्तकिल देख रहा हूं मैं, लेकिन आज तो मामलों से आगे निकल गया, आज
पार्लियामेंट का तीन चार में बहस करने को तैयार नहीं है। आज मंत्री सरकार सुप्रीम कोर्ट का जवाब देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं है सरकार का अब तक कि 341 में मजदूरी पाबंदी क्यों है। सरकार ने जवाब नहीं दिया, पार्लियामेंट में बात नहीं आई। पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा है, तलाक कैसे होगी? कानून कहता है कि देश का कानून इस मुल्क के किसी भी मसलक, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म वाले के धर्म में दखल नहीं देगी, उसके अरकान में दखल नहीं देगी, उसके टेरिटरी में दखल नहीं देगी। हुकूमत कोई काम नहीं होगा, हुकूमत का कानून दखल नहीं देगा। अपने अपने मजहब पर, अपने अपनी मर्जी से, अपने अपने अरकान के मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में तलाक पे बिल आ रहे हैं, गैर कानूनी बिल कानून के लिए आ रहा है और पार्लियामेंट में आ रहा है और सब लोग खामोश बैठे। कहां है कानून? और हुकूमत की नियत में चुके बेईमानी है, इसीलिए वो लोग जिनके साथ हमें रहना है वो लोग बेईमान हैं, उन्हें खुली छूट मिली है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिनके साथ हमें रहना है और जो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं और जो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म इतना करना जितना तुम खुद कहते हो, डट के एजाज खड़े करने पड़ेंगे हर बस्ती में। जब ये बात चलेगी तब हम आपका रास्ता सही होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था किताब हाथ में लेकर, कानून की किताब, कानून लिखा अम्बेडकर ने, अम्बेडकर वादी में बैठे किताब हाथ में ली और इशारा किया चलो पार्लियामेंट पढ़ो और पार्लियामेंट चलो। आपको यह करना होगा, आपको कलम का मुकाबला कलम से, समान का मुकाबला समान से, कानून का मुकाबला कानून से। और जब कब होगा? जब कानून सीखेंगे, जब कानून को समझेंगे। आपको अपने मुकाबले के मुकाबले पर खड़ा होना पड़ेगा, जैसे पहला सामना होता है वैसे कानून सीखे जाते हैं। हम घर बैठ के भाषण दे के, भाषण सुन के हम नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आसाम में 20 लाख जेलों की शरीर मजबूत है, इलेक्शन कमीशन ने तुम्हारे मुल्क में आसाम में 20 लाख लोगों को डिवोर्ट कर दिया है, क्यों? उन पर डॉक्यूमेंट नहीं है, वो शहरी नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं भी आधार आ सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, कितने के पास पासपोर्ट है, कितने के पास पैदाइशी कार्ड है, कितने के पास घरों में सुविधा मौजूद है। नहीं तो बना के रखना, संभाल के रखना, और अगर कमी पेशी है हमें बचाना, हमें बुलाना। हम आपके मोहल्ले में आएंगे और आपकी जड़ों को, आपकी बुनियादों को, जो शहरी उनकी बुनियाद हम आपको मजबूत करेंगे। ये हमारा आपसे वादा, हम आपकी मिलना है। तो ये कहता था कि आप इस मुल्क में जिस मुआशे से आपका सबका है, जिससे वास्ता है, उससे अपनी लड़ाई को नजरिए की लड़ाई मान कर चलना, नजरिए की जंग मान कर चलना। और ये नजरिए की जंग जब जीतोगे तब तुम तय हो जाओगे। आपस में बचे रहे तो मौलाना बैठे हैं मेरे पास, उनके सामने कह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला सूरह अलाक में फरमा रहा है, इंसान में फरमा रहा है कि अगर तुम मुंतजर हुए, तुमने अगर आपकी लड़ाई लड़ी तो तुम हवा तुम्हारी खराब हो जाए तो नामा हो जाओ। उसके अलावा आज तक